आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव ऊपर हमारे देश के आत्मान शांत तिरंगा। दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ दिखाएंगे, जिसमें सभी विभाग की झांकियाँ है। और यह आपको दिख रहा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित आंगनबाड़ी मॉडल है ये, पीछे शिक्षा विभाग का है। कई विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, लेकिन हम ले चलते हैं आपको वापस परेड ग्राउंड की तरफ, जहां आज सभी जवान परेड ग्राउंड के तैयार है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा चुका है, सभी राष्ट्र ध्वज के लिए राष्ट्र सम्मान में खड़े हुए। और जिधर देखो चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा है, बड़े खुशी का माहौल। 75वां अमृत महोत्सव पूरे परेड ग्राउंड में हमारा तिरंगा। सफेद गाड़ी में आते हुए मुख्य अतिथि, जो अभी पुलिस जवान की तरफ परेड ग्राउंड की तरफ जाएंगे, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, पहले आरएसपी की टुकड़ी, फिर राजस्थान पुलिस की टुकड़ी, तीसरा गृह रक्षा दल, ये सभी पुलिस लाइन ग्राउंड सवाई माधोपुर राजस्थान का ब्लॉक्स हैं। बहुत शानदार झांकियाँ दिखाएंगे इस ब्लॉक्स में आपको, और बड़ी शानदार परेड दिखाएंगे दोस्तों। और परेड से हमें कई चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और हमारी शक्ति का प्रदर्शन भी होता है इससे। आप देख सकते हो दोस्तों, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए इतने सारे जवान, बहुत खूब बहुत बढ़िया। ये हमारी शक्ति का, हमारी अनुशासन का प्रतीक, हमारे जवान। हम सभी इन जवानों की वजह से सुरक्षित महफूज रहते हैं दोस्तों, क्योंकि यही हमारे लिए देश के अंदर सुरक्षा का काम करते हैं। हमारे देश के बाहर बॉर्डर पे हमारे वीर फौजी भाई रहते हैं, जैसे देश के अंदर हर जिला ब्लॉक तहसील हर गांव में ये हमारी कानून व्यवस्था को संभालते हैं। इसलिए एक बार इनको भी दिल से सैल्यूट। वो शानदार परेड, कदम से कदम मिलाते हुए ये गृह रक्षा दल होमगार्ड, बहुत शानदार। ये भी हमारे पुलिस जवान के समान पूरी ड्यूटी एक साथ करते हैं। हमारे एनसीसी पीछे आ रहा है, स्काउट का, स्काउट की टुकड़ी, उसके बाद में महिला स्काउट, बहुत शानदार परेड, कदम से कदम मिला करके परेड ग्राउंड पुलिस लाइन सवाई माधोपुर। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी इस ब्लॉक्स में आपको। अभी तो बच्चे इसमें आएंगे और वो अपना शारीरिक व्यायाम, जिसको पीटी कहते हैं, वो भी उनका भी प्रदर्शन करेंगे। कई पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, जो ऐसे ऐसे पिरामिड्स हैं जिसमें बहुत आप हाथों तले अंगुली दबा दी, कितनी शानदार पिरामिड्स बनाते हैं। इसमें लहराता हमारा तिरंगा। ये विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे अब हमारे तिरंगा के सामने से गुजरते हुए परेड, चारों ओर पूरा मैदान तिरंगे के सम्मान में परेड को देखते हुए। काफ़ी लोग आ भी रहे बाहर से दोस्तों, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए यहाँ सवाई माधोपुर के बच्चे, जो एक साथ एक धुन पे अपनी शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन करेंगे। अब कितने अनुशासन से आ रहे हैं बच्चे। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें अनुशासन सिखाती है, हमें चाहिए हमारे संस्कार, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अभी आप बच्चे शारीरिक व्यायाम के लिए तैयार हो चुके हैं। ऊपर ड्रोन से पूरे मैदान की निगरानी की जा रही है। अब दोस्तों, शारीरिक व्यायाम विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे एक धुन पे एक साथ व्यायाम करते हुए, पीटी करते हुए, क्योंकि इसमें पहले शारीरिक व्यायाम के लिए हर स्कूल के जो शारीरिक शिक्षक होते हैं पीटीआई, वो इनको कड़ी मेहनत करवाते हैं, उनके बाद में ही
परेड ग्राउंड में लाया जाता है और उसको पहले से मेहनत की जाती है, बहुत अच्छी एक साथ उठना उठना एक साथ एक धुन पे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैदान में अचानक फूल खिल रहा हो, एकदम बैठना और एकदम वापस, बहुत शानदार। दोस्तों अब आगे अब ये शारीरिक व्यायाम लगभग पूरा हो चुका है, आप इस वीडियो ब्लॉग को देखना, आगे इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलेगी। पहली बार मैंने किसी पुलिस लाइन पुलिस ग्राउंड में ऐसी झांकियाँ देखी हैं, इसलिए ब्लॉग्स बने हैं और बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी इस ब्लॉग्स के अंदर, तो आप उसको इस वीडियो पूरा देखना। और हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल आज किरण, जय हिंद जय भारत, हमारा तिरंगा लहराता हुआ, जय हिंद जरूर दोस्तों, एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखना कमेंट में। और यह शिक्षक विभाग की झांकी पहली सवाई माधोपुर बाघों की नगरी। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में आप रणथंभौर सेंचुरी देखने के लिए भी आ सकते हो, बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ बाघों की नगरी है, स्पष्ट लिख रहा है, कई सारे बाघ रहते हैं, टाइगर रहते हैं इस रणथंभौर सेंचुरी के अंदर। यह पहली झांकी जिसमें बच्चों के बारे में, शिक्षक में नवाचार के बारे में इसमें बताया हुआ है स्पष्ट, जो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार सवाई माधोपुर की यह झांकी है। और भविष्य की उड़ान बच्चा और बच्ची में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को समान एक नज़र से देखना चाहिए, दोनों बच्ची वैसे दो परिवारों को दोस्तों रोशन करती है, बच्चा केवल एक परिवार को रोशन करता है। तो अगली झांकी आ गई जिसमें पालनहार योजना के बारे में जानकारी दी जाती है, जो आपके नज़दीकी विद्यालय है सरकारी विद्यालय वहाँ इसकी पूरी बालक बालिकाओं को इसकी जानकारी दी जाती है, और इसके बारे में विभिन्न योजनाएँ हैं जो आपको इस पोस्टर पे भी दिख रहा होगा। और एक बार अगर ऐसे कोई भी इस योजना का पात्र कोई बालक बालिका हो तो उसको विद्यालय के स्टाफ या संस्था प्रधान या वहाँ के प्रधान अध्यापक शिक्षक हैं उसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। या गए राजस्थान जैविक खेती के बारे में दोस्तों, क्योंकि आजकल कई तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, उसका एक ही कारण है सीधा सीधा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं खेती में, उसकी वजह से भी हमें कई तरह की बीमारियों का की वजह हो जाती है। इसलिए ये कहता है कि ये झांकी स्पष्ट कह रही है कि आप वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा खाद है, देसी खाद जिसको अपन गाय को गोबर भैंस का गोबर बोलते हैं उसी का ज़्यादा से ज़्यादा फसल में उपयोग किया जाए। झांकी आगे दोस्तों वन विभाग की, तो हमारा प्रत्येक कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, इस वातावरण को स्वच्छ और अच्छा बनाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगे एंड में पूरा देख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार मुझे लिख के भेजना। और हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल RJ Memory 91, इसको एक बार लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये आ गई दोस्तों बहुत सबसे बेस्ट झांकी, इसलिए मैंने इसको दो बार दिखाया, इसके ऊपर हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा ऊपर है। तो यह है इसका उद्देश्य है कि हर घर जल, यह जल मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में पानी पहुँचाया जाए, जल पहुँचाया जाए, और इसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी है, कई गाँव में आ भी चुका है। तो दोस्तों ये गांव के ये विशेषता होना चाहिए, कौन से गांव में ये पूरी व्यवस्था है वो भी मुझे बता देना कि उस गांव में ये पूरी सुविधा है या नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र होता है एक पंचायत स्तर पे, उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है, और उसके बाद में ग्राम पंचायत भवन तो होता ही, ये सभी गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर पंप हाउस होता है जहाँ से पानी की व्यवस्था होती है, दूसरा शौचालय एक गाँव के अंदर सुलभ शौचालय भी होता है, पानी की टंकी होती है, गार्डन होता है, एक बगीचा होता है, अच्छे सुंदर रोड होते हैं। अगर ऐसा है किसी गांव में तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर लिखे भी कौन से गांव में। तो दोस्तों इस मॉडल का एक ही उद्देश्य है कि जल जीवन मिशन है, सरकार हर घर जल पहुंचाने का कार्य करे, दोस्तों पानी का सदुपयोग करे, पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगली झांकी आ जाती है दोस्तों त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर की। तो त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर जो रणथंभौर का किला फोर्ट है उसी के अंदर है, रणथंभौर सेंचुरी भी वही है, तो ये वहाँ स्थानीय कलाकारों के द्वारा ये प्रदर्शित की गई झांकी है। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वहाँ त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है और चौथ माता का मंदिर है, चमत्कार जी का मंदिर है, काला गौरव भैरव मंदिर है, उसके बाद में ईश्वरदा है, वहाँ जो बोलते हैं कि बार बार ज्योतिर्लिंग है,
द्वादश, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेन चीज़ है दोस्तों इस वीडियो का, क्योंकि ये हमारी अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भी बेटी थी। इतने सारे आपको दिख रहे हैं पोस्ट में, स्पष्ट खिलाड़ी है जो जो बेटी थी, और आज ये हमारे सर्वोच्च पद पर हैं, हमारी घर का हमारी मान बढ़ा रखा है ये। तो बेटी आजकल हर डिपार्टमेंट में, ये एयरफोर्स से लेकर के जितने भी जो लड़के काम कर सकते हैं, उससे बेहतर तरीके से लड़की उस वर्क को कर सकती है। तो दोस्तों लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ने का कार्य आप सभी का है, और फर्क नहीं करें लड़का लड़की से, दोनों का समान अधिकार है। अगली झांकी आ जाती है दोस्तों, ये धन्यवाद राजस्थान सरकार को धन्यवाद दे रहे कि बिजली बल में दे करके अतिरिक्त अनुदान किसानों को बढ़ाए मान, इसमें कहा कि किस सरकार को धन्यवाद दे रखा। यह अगली झांकी जाती है राजस्थान सरकार, इसमें बताया कि विभिन्न जो सवाई माधोपुर में बांध है उसके एक पोस्टर लगाए हुए दोस्तों, वह सवाई माधोपुर में बनास नदी गुजर रही है, वहाँ पे